मिनट तो देखते हैं। हाय गाइस नमस्ते। और मैंने 3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था एक ऐसा वीडियो जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, और उस वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और हैप्पी हूँ। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल वीडियो जो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, और तब मुझे पता भी नहीं था कि ये वीडियो मैं कभी शेयर भी करूँगी। और इसलिए ये जो वीडियो है एकदम रॉ है, एकदम अनकैंडेड अनएडिटेड वीडियो है। जो भी जगह मैं कैमरा को बार बार शेक कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, उन्हीं सिर्फ जगहों को मैंने एडिट किया है ताकि आप लोगों का सर ना घूमे, क्योंकि मैं जब एडिट कर रही थी और देख रही थी वो जगह तो मेरा सर थोड़ा सा घूम रहा था, तो इसलिए मैंने वो सारी जगह को एडिट किया है। अदरवाइज फुल्ली अनएडिटेड फुल्ली रॉ वीडियो है, और मैंने जो भी बातें कही है एक्चुअली जो पर्सपेक्टिव तब मेरा था कि मैं काम कैसे करूँगी, मैं ये नहीं यूज़ कर सकती, मैं वो नहीं खा सकती, वो नहीं पी सकती, एवरीथिंग जो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए सोचेगी वही मैं भी सोच रही थी, और वो इतना इनिशियल स्टेज था कि मुझे अच्छे से सब कुछ पता भी नहीं था। कभी इस फेस से गुजरे हो तो आप समझ जाओगे मुझे लगता है। तो होपफुली आप लोग वो वीडियो को एंजॉय करोगे। प्लीज़ अपना ब्लेसिंग्स मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए देना, और कोई क्रिटिसाइज मत करना यार, बहुत स्पेशल बहुत पर्सनल चीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद ना भी आए फिर भी क्रिटिसाइज मत कर, कि मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत जन प्रेग्नेंट है और इस जर्नी को मेरे साथ एंजॉय करना चाहती है। उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी ट्राई कर रहे हो या आपने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है, आप माँ जस्ट बने हो, या इस फेज को आपने एंजॉय किया है या करना चाहते हो या कर रहे हो, जो भी हो आपका केस, आपके लिए भी ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और जस्ट इस वीडियो को आप शेयर करो उन लड़कियों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ये एक चेयरफुल हैप्पी स्माइलिंग से वीडियो, वैसे मैं वीडियो में थोड़ा रो रही हूँ, बट आई होप कि ये आपके फेस में एक स्माइल ज़रूर ले आएगा। एकदम रॉ है तो प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस दिन ये हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सज धज के मेकअप करके कैमरा के सामने आने का मुझे टाइम नहीं मिला। सुबह सुबह कोई भी ऐसा नहीं करता है जो एक रॉ वीडियो शूट करता है। खुद का नेचुरल एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, हम सुबह उठ के पहले बाथरूम जाएंगे ना कि मेकअप करेंगे। तो आई होप सो कि आप लोग रिलेट कर पाओ, तो शेयर ज़रूर करना उन सारी लड़कियों के साथ जो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, जो आपको लगता है कि इस फेस को और इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, उनके साथ शेयर करना। और वैसे ही अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखना जैसा आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है। लव यू ऑल गाइस, बस यही कहना था, अभी शुरू करते हैं वीडियो। सो दिस इज़ द वन दैट आई एम गोना यूज़। ये अभी देखिए खाली है, सो मुझे सिर्फ लग रहा है कि आई माइट बी, बट मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। सो लेट्स डू इट। वेट फॉर 5 मिनट्स, सो लेट्स सी। अभी मैंने डाल दिया है, वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स, तो देखते हैं। गाइस मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं अपनी रूम में हूँ, बाहर संभल हो सकता है वो भी रूम में नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि वो आए हैं, क्योंकि दरवाजे का आवाज़ मैंने सुना था, इसलिए बात कर रही हूँ। ये अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं, एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जस्ट 2 मिनट। कैन यू सी गाइस, I
कैन यू सी दैट? इसका मतलब क्या है? आई रियली डोंट नो. क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है. सो लेट मी डू अनदर टेस्ट. ये एक नया है विच इज सील्ड. सो लेट मी ट्राई ऑन दिस वन. पूरा नया है, खाली है, न्यू वन. अब पहले देखो बिफोर. वैसे तो कहते हैं कि 5 मिनट्स लगता है, पर लास्ट वाला 2.5 मिनट्स के अंदर ही आ गया था. सो लेट्स सी. सो गाइस, ये जो है इसमें भी थोड़ा सा हल्का लाइट आया है उस वाले से. सो ऑब्वियसली दिस आर नॉट डन विद द फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद का यूरिन मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, मतलब मैंने पी कर लिया है. सो दिस आर डन विद द सेकेंड यूरिन एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. आई एम कन्फर्म, क्योंकि आज मेरा मिस पीरियड का 3rd डे है, तो आई एम कन्फर्म कि दिस इज अ पॉजिटिव, बट आई एम नॉट श्योर. एंड तो लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी ये टेस्ट करते वक्त, बट आई एम नॉट लाइक इमोशनल पर्सन लाइक दैट. सो आई नो समडे इट विल हैपन बिकॉज वी वेर प्लानिंग टू हैव अ बेबी एंड इट हैपेंड, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. तो इसलिए थोड़ा सा मैं खुश हो गई एंड दैट वॉज खुशी के आंसू. तो मैं यहाँ पे बाथरूम पे और बात नहीं करती हूँ, मैं बाहर जाके आप लोगों के साथ बाद में आराम से बात करती हूँ. लेट्स सी कि संबित को ये बताने के बाद उसका रिएक्शन क्या होता है. तो संबित को बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बात करना चाहती थी. लाइक आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, खुश हूँ, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वेरी नर्वस. मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी. आई वोंट बी एबल टू हैव वाइन, क्योंकि मैं वैसे इधर दारू नहीं पीती हूँ, जस्ट थोड़ा सा वाइन या फिर थोड़ा सा व्हिस्की, वो मैं अभी नहीं पी पाऊँगी. वैसे भी लॉकडाउन के बाद से कोई भी नहीं ज़्यादा पी रहा, बट फिर भी थोड़ा बहुत, एक कप महीने में, वो भी नहीं, एकदम नहीं, कॉफ़ी भी नहीं. फिर मैं रिटर्नल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ 2-3 आप लोगों के लिए, वो भी नहीं यूज़ कर पाऊँगी. उनमें से एक रिटर्नल प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो मुझे लगता है मैं किसी को दे दूँगी. और हार्डवर्क नहीं कर पाऊँगी. वैसे मुझे 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा बैक पेन है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बेयर कर सकती हूँ, बट है 4-5 दिन से मुझे किसी भी चीज़ का ना टेस्ट खाने के बाद, तो उसका टेस्ट लगता है खाने के टाइम, बट बाद में मेरे मुंह में ना एक बहुत ही गंदा सा टेस्ट रहता है. सोलन ब्रेस्ट, ये वाला तो मुझे लास्ट 6 दिन से है, सोलन ब्रेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा. और राइट साइड में दर्द भी है ब्रेस्ट के उसमें. तो हाँ, पीरियड मिस हो गया. मेरा पीरियड होने वाला था 3 दिन पहले, मंडे को, आज नहीं, हाँ मंडे को होने वाला था. मंडे कल था क्या? नहीं, मेरा पीरियड होने वाला था संडे को, फिर मंडे मिस हुआ. मंडे मैंने बोला 1 दिन अच्छा बफर, कल देते हैं बफर. फिर आज है ट्यूसडे, तो मैं ये 3rd डे है मिस्ड पीरियड का, आज मैं कर रही हूँ ये टेस्ट. और मुझे लगा नहीं था कि आएगा, बट एज यू कैन सी दिस इज क्लियर, होप सो पॉजिटिव है. क्योंकि अभी अगर पॉजिटिव नहीं है और मैं ऐसे ही उछल रही हूँ, देन इट विल बी अ रियल शेम फॉर मी, क्योंकि एम्बेरस हो जाऊँगी. नहीं तो कि नहीं, फिर भी खुशी से मारे पागल हो रही हूँ.
आप लोगों के लिए मैं रिव्यू करने वाली थी रेटिनॉल, तो एक को तो मैंने एक महीने से ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसका रिव्यू मैं दे सकती हूँ। बाकी दो को मैंने जस्ट मंगवाया ही है, दो हफ्ते भी नहीं हुए हैं, तो वो तो मैं अभी नहीं लगा सकती क्योंकि दिस बेबी विच इज़ ऑन द वे इज़ लाइक सो प्रेशियस टू मी, तो मैं अभी रेटिनॉल यूज़ नहीं करूँगी। बाकी वो सारे वीडियोज़ तो हमेशा ही आएंगे क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि घर बैठे मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, प्यार देना, ठीक है। अभी मैं इमोशनल हो रही हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं हूँ, बट मैं कैमरा के सामने इमोशनल ज़िंदगी में नहीं हुई हूँ, एक बार छोड़ के बहुत पहले। या